ओके तो एनएक्सटी की बात करते हैं. सबसे पहले समोआ जो आए उसकी वजह से उनको व्यूअरशिप और रेटिंग्स में क्या फायदा हुआ है. तो लास्ट वीक जो एनएक्सटी को व्यूअरशिप मिली थी वो थी 669,000 यानी 669K व्यूअर्स. इस हफ्ते की बात करें तो ये बड़े हैं, 4% बड़े इस हफ्ते, और एनएक्सटी को व्यूअरशिप मिली है 695K व्यूअर्स. तो 4% ही बढ़े, इतना कोई ज़्यादा भी नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि आपको पता है एनएक्सटी टेक ओवर इन योर हाउस के बाद का भी एपिसोड था, तो उस वजह से थोड़ी हाइप ज़्यादा होनी चाहिए थी. उतने नंबर्स नहीं बढ़े, मतलब ये कह सकते हैं हम. वैसे काफ़ी सारे लोगों को पता लग गया था ऑलरेडी कि समोआ जो आ सकते हैं, तो शायद उस वजह से भी उन्होंने ट्यून किया होगा. लेकिन फिलहाल एनएक्सटी के ये हालात चल रहे हैं. इसको कंपेयर मत कर लेना रॉ स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से, क्योंकि एनएक्सटी की व्यूअरशिप इसी नंबर के आसपास रहती है. वैसे ज़्यादा होनी चाहिए यार, क्योंकि WWE का ही शो है, यूएसए नेटवर्क के ऊपर आता है, लेकिन अब जो है वो है, ऐसे ही चल रहा है भाई एनएक्सटी का सीन. नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट शायद आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है. अभी ये इनके बीच भगदड़ नहीं चल रही है कॉर्बिन और नाकामुरा की. कॉर्बिन का क्राउन है, वो नाकामुरा ले जाते हैं. तो बम्प के शो पर ना इसी के अराउंड सारी बातें हो रही थी. कॉर्बिन कह रहे थे कि कुछ लोग तो इतने लुटेरे हैं कि वो क्राउन छीनते हैं, लेकिन कुछ जेवियर वुड्स जैसे लोग भी हैं जो कि इसको अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि जेवियर वुड्स ने पास्ट में कहा हुआ है कि किंग ऑफ द रिंग वो टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं. तो इसी के अराउंड सारी बातें हो रही थी. एडम पियर्स भी यहाँ पर घुसे, पूरा एक थ्रेड ऐसा बन गया यहाँ पर. तो ऐसे में यहाँ पर ये स्पेकुलेशन आ रही है कि शायद बहुत जल्दी किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट आने वाला है. बहुत जल्दी से मेरा मतलब एक या दो महीने के अंदर, शायद जब फैंस वापस आएंगे तब उनको किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट भी देखने को मिल जाएगा. अब तो ऐसा हो रहा है कि जो भी बड़ी चीज़ होने वाली है कब हो सकती है, जब फैंस वापस आएंगे, क्योंकि आपको पता है इतनी ज़्यादा हाइप है उस चीज़ को लेकर, और होगी भी भाई. WWE हमेशा से ही फैंस से चलती है. हाँ वो बात अलग है, अब WWE ने फैंस को सुनना बंद कर दिया, लेकिन स्टिल भाई पैसे वैसे तो वही देते हैं ना, तो उनके लिए भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. तो किंग ऑफ द रिंग शायद आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, और इस बार कुछ इंटरेस्टिंग कहानी हो तो फिर मज़ा है. बाकी कुछ मुझे पिछले कुछ टाइम से तो यार किंग ऑफ द रिंग सच में फीके ही लग रहे हैं. नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, और WWE के खिलाफ अगर स्पेसिफिक नाम लेके बोलूँ तो विंस मैकमैन, स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच के खिलाफ एक लॉसूट हो चुका है दर्ज. हुआ क्या, WWE ने सऊदी अरेबिया के साथ अपनी डील करी. आपको पता है इतने सालों की वो है, मोटे पैसों की है. इतने पैसे रेसलमेनिया से नहीं आते जितने WWE को सऊदी अरेबिया में इवेंट करने से मिलते हैं. तो हुआ क्या, WWE, मैंने आपको बताया कि WWE के शेयर्स होते हैं जिसमें बाहर के लोग भी इन्वेस्ट करते हैं. जैसे मेरी कंपनी है, मैं चाहता हूं मुझे फंडिंग चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं ओपन कर सकता हूं अपने स्टॉक्स या फिर शेयर की भाई किसी और को इन्वेस्ट करने, तो वो खरीद ले. लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स देनी होती है उनको, जो पूरा उनका पूरा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें वो सारे डिटेल्स बताते हैं. उसमें WWE ने गड़बड़ कर दी, उन्होंने चीजें छुपाने की कोशिश करी. कुछ डील ऐसी हुई जो कि इन्वेस्टर्स को लग रही थी सऊदी अरेबिया के अंदर होगी, लेकिन वो कैंसिल हो गई. तो इस वजह से WWE ने अपने हाई प्राइस में तो स्टॉक बेच दिए, लेकिन उससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको घाटा हो गया. तो अब वो जो लोग हैं उनको पसंद नहीं आई बात, और उनके जो WWE है, विंस मैकमैन, स्टेफनी मैकमैन, ट्रिपल एच, इनके अगेंस्ट जो है लॉ सूट हो चुका है. मेरे को पता नहीं जितने टाइम से मैं ये चैनल पर न्यूज़ वगैरह दे रहा हूँ, ये सारी अपडेट्स कवर करता हूँ, कितने मैंने लॉ सूट सुन लिए भाई. ये कुछ ना कुछ होते ही रहता है इनकी कंपनी के अंदर. अब मुझे नहीं पता ये क्या कॉमन है बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ऐसा होना, या फिर WWE में सारे ऐसे ये जो चीज़ें वो होती रहती है, लेकिन ऐसा सीन हो गया भाई. लेकिन हाँ, अगर इन्वेस्टर्स है तो मेरे ख्याल से उनको पूरी ऐसे बताना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, चीज़ें छुपा नहीं सकते आप. वैसे WWE अर्निंग कॉल करती है अपनी, महीने में, साल में 4 बार करती है, उसमें सारी डिटेल्स को देते हैं, लेकिन शादी वाली डिटेल रह गई और अब इसका जो नुकसान है वो शायद उनको उठाना पड़ सकता है. नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये बात तो आप लोगों ने भी कॉमेंट करके लिखी है, कहीं ना कहीं मैं भी फील करता हूँ कि बस बहुत हो गया यार. ये ड्रू मैकइंटायर को तुमने WWE पिक्चर में कितने टाइम से रखा है, पहले WWE चैंपियन भी थे, फिर WWE चैंपियनशिप हारे भी तो उसी पिक्चर के अंदर हैं. ये सवाल सीधा ड्रू मैकइंटायर से पूछ लेगा कि यार तुमको तो क्रिटिसिज्म मिलने लग गया कि तुम हमेशा WWE चैंपियनशिप की पिक्चर में रहते हो. जवाब सुनना चाहोगे ना ड्रू मैकइंटायर का. ड्रू मैकइंटायर ने यहाँ पर ये कहा कि देखो, मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे फैंस ऐसा सोच रहे हैं, या कुछ फैंस ऐसा सोच रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि रियलिस्टिकली यहाँ पर कुछ गलत भी नहीं है. उन्होंने ये कहा कि देखो, मैं इतने टाइम से WWE चैंपियन रहा, WWE पिक्चर में भी हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि ड्रू मैकइंटायर पहले से कम मेहनत कर रहा है. हाँ, भले ही फैंस ये सोच सकते हैं कि मैं हमेशा WWE चैंपियनशिप की पिक्चर में हूँ, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि ड्रू मैकइंटायर अब बेकार सुपरस्टार हो गया, ड्रू मैकइंटायर उतना हार्ड वर्क नहीं करता जितना वो पहले करता था. और इस चीज को यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर देख रहे हैं. इवन उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ड्रू मैकइंटायर का जो मैच है बॉबी लैशली के साथ, अगर वहाँ पर बॉबी लैशली चुल भी करते हैं और वो नहीं जीत पाते चैंपियनशिप, तो आगे जाकर क्राउड के सामने, उन्हीं लोगों के सामने वो चैंपियनशिप जीत कर दिखाएंगे, और एक बार फिर से जो उनका विश्वास है वो जीतेंगे. तो काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ एक अच्छे तरीके से इस चीज़ को ड्रू मैकइंटायर ने लिया है.
वहीं पर कोई और सुपरस्टार होगा होता तो वो कहता अब यार ये फैंस बेकार हैं, आज के फैंस ऐसे ही हो गए। लेकिन यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर ने बहुत अच्छी तरीके से इसका रिप्लाई किया और ये बात सुन के मुझे तो काफ़ी खुशी हुई। बाकी इसके ऊपर अब आपके क्या थॉट्स हैं मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं और एक्टिव चैटर होना आपका इसके लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि WWE के थंडर डोम में चोरी हो गई है। एक चोर आया, उसने WWE का कुछ सामान जो है चुरा लिया वहाँ से। अब पता तो हमें था नहीं कि WWE का क्या सामान चुराया गया थंडर डोम से, लेकिन शेमस ने हमको बता दिया कि वो क्या सामान चुराए। और शेमस का वो जो बहुत प्यारा उनका केल्टिक क्रॉस है, वो चोर वो चीज़ चोरी करके ले गया। इस बात को शेमस ने भी ट्विटर के ऊपर बताया और उन्होंने कहा कि ये जो मेरा केल्टिक क्रॉस है वो चुर चुका है। और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि भाई अगर कोई बंदा लौटा सकता है तो लौटा दे, हो सकता है रिवॉर्ड के तौर पर उसको जो है कुछ सीट्स वगैरह का अरेंजमेंट वो करवा देंगे। तो ये चोरी हुई है भाई, एक मतलब कुछ बहुत ज़्यादा, पर इतनी बड़ी कंपनी ऐसी चोरी हो रही है, ये तो बहुत ऐसे बच्चों जैसे हरकतें मुझे लग रही हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि चोरी हो गई। लेकिन खैर चोरी तो कहीं भी हो जाती है, इसमें कुछ ऐसे नहीं है कि कंपनी बड़ी हो तो वहाँ चोरी नहीं हो सकती। लेकिन इस चक्कर में भाई शेमस के लग गए, उनका प्यारा जो केल्टिक क्रॉस है वो लूट गया। जल्दी से उम्मीद करते हैं कि ये जो चोर है वो पकड़ा जाए या फिर जो सामान है एटलीस्ट वो जिनकी बिलोंगिंग्स हैं उनको वापस से मिल जाए। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं और एक और मिस्ट्री वाली स्टोर लाइन WWE के अंदर शुरू हो रही है। मिस्ट्री वाली स्टोर लाइन सुनते ही हमारे दिमाग में मिस्ट्री हैकर आता है, रेट्रीब्यूशन आता है और फिर हमारे दिमाग में बुरी बुरी बातें ही आती है कि ये WWE इसका कचरा ही करती है। लेकिन NXT के ऊपर भी एक नई मिस्ट्री वाली चीज़ हो रही है। अगर आपने NXT देखी है अभी वाली, तो वहाँ पर हमको एक जो बैटरी है वो चार्ज होती हुई दिखाई दे रही थी। पहले वो शायद 10-11% थी, फिर वो 20% हुई। मुझे लगा कि ये कुछ ऐसी एड वैड है, शायद कुछ ऐसी दिक्कत है, मतलब ये कोई WWE की NXT प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है। लेकिन एक्चुअल में WWE की प्रोग्रामिंग का पार्ट है, क्योंकि ट्वीट से हमको WWE NXT के पता चलता है। तो कुछ तो होने वाला है यहाँ पर, कोई मिस्ट्री मैन, कोई कुछ तो स्टोरी लाइन होने वाली है यहाँ पर। क्या होगी कैसे होगी उसके बारे में अभी कोई भी रूमर नहीं है, जस्ट एक चीज़ की शुरुआत WWE ने की है। लेट्स सी क्या इसका हाल भी मिस्ट्री आकर है, फिर रिट्रीब्यूशन जैसा होता है या फिर यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं AEW के बारे में और AEW ने यार बड़ी मस्त वाली एक फ़ोटो डाली है। मतलब ये फोटो आप सामने देखो यार, पहली नज़र में तो लगता ही नहीं है कि ये फोटो असली है, ऐसा लगता है कि एक्शन फिगर्स है और उनको रखा हुआ है यहाँ पर। तो फोटो देख के तो भाई पूरा मज़ा आ गया और कैप्शन तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर AEW वाले खुद से लिख रहे हैं कि कैसे नेक्स्ट लॉर्ड ऑफ द रिंग टोनी खान, जो कि आपको पता है प्रेसिडेंट है AEW के, वो कैसे एक बड़े थ्रेट साबित हुए विंस मैकमैन की WWE के लिए, जो कि इतने पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ है। मतलब क्लियरली यहाँ पर WWE और विंस मैकमैन का नाम मेंशन किया जा रहा है। कभी कभी मुझे AEW की वाली हरकतें ना बिल्कुल बचकानी जैसी लगती हैं कि मतलब तुम कंपनी है, तुम अपनी प्रोग्रामिंग पर ध्यान दो, तुमको क्या ये हमेशा वर्सेस वाली चीज़ करने की ज़रूरत है जब फैंस इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं लेते। और उसके बाद जब ये करते हैं तो भाई जो फैंस नहीं भी सोच रहे तो इसके बारे में कि WWE वर्सेस AEW, तो वो भी सोचने लग जाते हैं। लेकिन यार जो भी है, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी फोटो बहुत ही बढ़िया है और खुले में ऐसे विंस मैकमैन का नाम लेना, ये तो खैर AEW वाले करते ही रहते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं तो आपको पॉसिबली एक OMG एंगल, एक OMG स्पॉट या फिर कोई ऐसी बड़ी चीज़ देखने को मिलने वाली है रोमन रेंस एंड रे मिस्टीरियो के हेल इन अ सेल मैच के अंदर, जो कि स्ट्रक्चर के अंदर होने वाला है। तो सीन देखो यहाँ पर कुछ ऐसा है, कुछ स्पेकुलेशन, कुछ थ्रेड्स के अंदर जैसे रेडिट के ऊपर ऐसी बातें हो रही हैं कि शायद आपको रोमन रेंस एंड रे मिस्टीरियो के मैच में एक ऐसा स्पॉट देखने को, जैसे हेल इन अ सेल के अंदर आपको पता है स्पॉट्स WWE काफ़ी खतरनाक बुक कर सकती है। रोमन रेंस एंड रे मिस्टीरियो का मैच है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर हमको इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है या फिर मिलेगी ऐसे चांसेस पूरे हैं जिमी उसो, जे उसो और साथ ही साथ रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक की। और जैसा आपको पता है डोमिनिक जो है एक तरह की डेयर डेविल वाली पर्सनैलिटी है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ा बम्प हमको डोमिनिक मिस्टीरियो लेते हुए दिखा दे सकते हैं। अब बहुत बड़े बम्प से सबके दिमाग में यही चीज आएगी कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो हैं शायद वो हेल इन अ सेल के टॉप से गिर सकते हैं और कहीं रोमन रेंस उनको गिराने वाले हैं। हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और शायद WWE ने इस चीज को टीज भी किया। आपको पता है जो चीज स्टोरी लाइन में हो रही होती है कभी कभी वो चीज इसलिए भी होती है क्योंकि पे पर व्यू के अंदर उसका एक कुछ होता है। मतलब जैसे हमने देखा था WWE ने क्या दिखाया था कि रोमन रेंस ने डोमिनिक मिस्टीरियो को ऐसा फेंक दिया था। अब वो एंगल हमको ऐसा दिखा कि कभी भी डोमिनिक मिस्टीरियो गिरते हुए दिखा नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ क्रैश पैड वहां पर होगा कि डोमिनिक को लगे ना। तो शायद ऐसा ही कोई स्पॉट आप लोग हेल इन अ सेल से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहां पर शेन मैकमैन जैसा जिगरा होगा तो शायद फिर ऐसा क्लियरली हमको दिखा देंगे जैसे शेन मैकमैन हमको हेल इन अ सेल में गिरते हुए दिखे। लेकिन अगर WWE कुछ अपने कैमरा एंगल्स का वर्क करे, जो कि मेरे ख्याल से एक सही चीज़ भी है क्योंकि भाई इतना रिस्क भी लेना सही नहीं होता है, ऐसे काम से शेन मैकमैन नहीं कर सकते हैं, तो शायद ऐसा स्पॉट आ सकता है जहां पर रोमन रेंस हेल इन अ सेल में भी बिल्कुल ऊंचाई से फेंकेंगे डोमिनिक मिस्टीरियो को। और आप कह सकते हो ये मिस्टीरियो और रोमन रेंस के मैच का एक मेमोरेबल मोमेंट बन सकता है। इस मैच में पॉसिबल
पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है इस मैच के अंदर। मैच प्रिडिक्टेबल जरूर है, लेकिन शायद हो सकता है हेल इन अ सेल में आपको मैच सबसे ज्यादा पसंद आए। अब जब मैच होगा तभी इसके बारे में देखकर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कुछ रूमर्स और स्पेकुलेशन आ रही है इसके बारे में। आपकी क्या प्रिडिक्शन है, क्या हो सकता है इस मैच के अंदर कोई बड़ा स्पॉट, कैसे हो सकता है, कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।